हेलो वेलकम टू ब्लेसिंग्स टैरो आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल हैप्पी हेल्थी फिट एंड फाइन तो आज की जो पिका कार्ड रीडिंग है वो है आपके सोलमेट के बारे में कि क्या आप अपने सोलमेट को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे आपकी क्या वाइब्रेशन है क्या आपकी एनर्जी है राइट नाउ तो आपके टेरोडेक्स में देखूँगी इसके अलावा कुछ चार्म भी होंगे आपकी एनर्जी को देखने के लिए कि आप लाइफ में क्या आप अपने सोलमेट को अपने ट्रू लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट कर पाओगे या नहीं ठीक है तो इस पर आपकी रीडिंग है इसके लिए आपके सामने तीन पायल्स तीन कार्ड्स रखे हैं ग्रुप आप अपना ग्रुप चूज़ कर सकते हो ग्रुप नंबर वन इज़ द लवर्स कार्ड ग्रुप नंबर टू इज़ टू ऑफ कप्स एंड ग्रुप नंबर थ्री इज़ टेन ऑफ कप्स तो जो ग्रुप आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको मेडिटेट करके चूज़ कर सकते हो तो uh, आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लीजिए ताकि आराम से आप अपना ग्रुप चूज़ कर लें तो मैं आपसे आपकी रीडिंग पर मिलूँगी हाँ ग्रुप नंबर वन जिन्होंने दी लावर्स कार्ड चूज़ किया था आइए है देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जी है क्या आपकी आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर पाओगे या नहीं आ, क्या आपकी करंट आपकी जो करंट एनर्जी है ना वो हम देखेंगे इस टाइम क्या चल रही है okay king of air uh, libra aquarius and gemini two of fives it is leo sagittarius the hermit okay we will go Seven of Airs, uh, Air Sign, Libra Aquarius and Gemini. The Star Card, Aquarius. Justice Card, Libra. ऑफ अर्थ अर्थ साइन है जी टॉरस वर्गन, कैप्रिकॉन्स यूनिटी कार्ड इसके अलावा है जी हाई प्रेस्टेस जी तो आ, ग्रुप नंबर वन जो आपकी करंट एनर्जी है कि आप क्योंकि हम सोलमेट को मैनिफेस्ट कर पाएंगे लाइफ में या नहीं ये डिपेंड करता है हमारी वाइब्रेशन पर हमारी एनर्जी पर हमारा हम जो है हम यूनिवर्स में क्या एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं क्या भेज रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमारे भाग्य में क्या लिखा जाना है और हमारा क्या फ्यूचर है और क्या हम मैनिफेस्ट कर पाएंगे लाइफ में और क्या हमसे छिन जाएगा ठीक है तो आपकी जो एनर्जी मुझे करंट लग रही है आपकी एनर्जी बहुत मुझे पॉजिटिव लग रही है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है आपकी किंग ऑफ एयर के साथ आप मतलब काफ़ी अपनी लाइफ में अपनी गोल्स को लेकर के अपनी लाइफ को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव हो काफ़ी आप प्रोफेशनल हो काफ़ी आप आ, मतलब आ, अपनी जो चीज़ों को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा यू नो सीरियस हो चुके हुए हो पहले की तरह आप इमोशनल फुल नहीं रहे हो आप अपने इमोशंस को बैलेंस करना आपको आता है आप में कॉन्फिडेंस है आप चीज़ों को प्रोफेशनली देखते हो आप बैलेंस में रहते हो इमोशनल बैलेंस आपको आपके इमोशंस में अब काफ़ी बैलेंस आ गया हो सकता है पहले आप ज़्यादा इमोशनल हो जाते थे कभी ज़्यादा आपके मूड स्विंग्स थे कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा कभी बहुत ज़्यादा प्यार लेकिन अब आप, आप काफ़ी बैलेंस हो आपने अपने आप को बैलेंस किया है और ये एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन है टू मैनिफेस्ट योर सोलमेट ठीक है तो टू ऑफ फायरस के साथ आप अपनी अपनी लाइफ में अपनी कुछ न्यू आ, जो है न्यू हराइजनस आपने ओपन किए हैं कुछ न्यू कॉन्टैक्ट्स खोले हैं हो सकता है आप कुछ न्यू कोर्स के लिए आ, सोच रहे हो या ज्वाइन किया हो या न्यू क्लासेस हो या ये भी हो सकता है कि आपकी ने कुछ नया करने का सोचा है कुछ नई जॉब लेने का सोचा है और आप उसके लिए काफ़ी पैशनेट है ठीक है तो आपने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का सोचा है इसकी वजह से ये भी एक प्लस पॉइंट है आपके सोलमेट को मैनिफेस्ट होने में ठीक है जी हामिद कार्ड के साथ आप अपने मेडिटेशन पर बिलीव करते हो आपने अपने मतलब खामोशी में जो काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना आपको पसंद है आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब खुद की जांच करना आपने शुरू कर दिया मेरे में क्या क्या कमियां हैं मुझे क्या क्या करना है ठीक है तो इस वजह से आपकी जो है ये, आपकी वाइब्रेशंस हाई है पहले के नस्बत पहले की नस्बत आपकी वाइब्रेशंस काफ़ी हाई है और काफ़ी आप पॉजिटिव हो और आपने यू आर सर्चिंग फॉर योर सोलमेट आप मतलब अपने राइट पार्टनर right को सोचते हो मतलब आपकी आप पुरानी वाली जो है चाइल्डहुड जा, वाले बच्चों की तरह की सोच खत्म हो गई है कि मुझे ये ही चाहिए या वही चाहिए अब आपकी एक रैशनल सोच है एक अकलमंद अकलमंदाना विजडम वाली आपकी अप्रोच है आपको, आपको आपका ट्रू पार्टनर चाहिए ठीक है वो पार्टनर ही जो कि आपको कभी पसंद था या जिसने आपको मैनिपुलेट करता रहा वो नहीं आपको आपका ट्रू पार्टनर चाहिए आपको आपका ट्रू मेटअप चाहिए या आपकी करंट सोच है जिसकी वजह से आपका जो सोलमेट है मैनिफेस्ट होने में उसको देर नहीं लगेगी ठीक है जी सेवन ऑफ एयर के साथ आपकी जो है आपके जो प्लान्स हैं जो आपकी लाइफ के गोल्स हैं ठीक है उनको आपने जो प्लानिंग की हुई है इट्स टिल्स इज रिवीजन ठीक है आपने उनको जो प्लान किया है उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा आपको आ, मतलब आ, एनर्जी उसमें एनर्जी डालनी पड़ेगी मजीद ठीक है आपने काफ़ी आप पॉजिटिव हो आप आगे भी बढ़ना चाहते हो बट इट स्टिल नीड्स सम आ, यू नो थोड़ा सी उसको पुश चाहिए थोड़ा सा उसको आ, आपके जो प्लान्स हैं आपके फ्यूचर पे जो करियर पे आपका ध्यान है वो बेस्ट थिंग है लेकिन इट स्टिल सम पुश उसमें आपको एनर्जी डालनी पड़ेगी उसमें आपको मज़ीद आगे बढ़ना पड़ेगा आपको मेहनत करनी पड़ेगी ठीक है जी लेकिन यूनिवर्स जो है उन्होंने आपके लिए जस्टिस रखा है ठीक है आपको जो चाहिए आपने वो यूनिवर्स में को बता दिया है कि मुझे ये, ये चाहिए और मैं ये ये एनर्जी आपको आ, मतलब यूनिवर्स पे पोर करूँगी या करूँगा तो मैं इसके बदले मुझे ये चाहिए ठीक है तो ये आपने एक कॉन्ट्रैक्ट का हिसाब एक हिसाब का यूनिवर्स से आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है डिवाइन से आपने अपनी मर्जी की जो जो चीज़ आपको चाहिए आपने डिमांड कर ली हुई है और डिवाइन ने या आपको कहा है कि आप अगर आ, मतलब जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं मैनिफेस्टेशंस की वो पूरी करेंगे हाई वाइब्रेशन में रहेंगे तो आपको डेफिनेटली जस्टिस मिलेगा ठीक है तो सोलमेट तो आपका डेफिनेटली मैनिफेस्ट होगा और ये बहुत जल्द होगा ठीक है ज़्यादा डिले नहीं है आपके हैप्पी टाइम्स आपके पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आ रही हैं और ये आपका बिल्कुल ठीक रास्ता आप जिस रास्ते पर चल रहे हो ना परफेक्ट परफेक्ट इट्स अ परफेक्ट रास्ता है ठीक है परफेक्ट वे आपको कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए तो आप बहुत लकी हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है आपकी वाइब्स देख कर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपकी वाइब्स हैं तो आ, नाइट ऑफ अर्थ के साथ आप अपने काम के साथ लॉयल हो डेडिकेटेड हो अपने करियर की तरफ आपका ध्यान है आप ज़िंदगी में आप कुछ करना चाहते हो जो ब्लॉकेजेस थी जो हर्डल्स थी लाइफ में आपने उनको टाटा बाय कर दिया है अपनी एनर्जी से ठीक है अगर अभी रिसेंटली नहीं भी गई है आपकी आ, मतलब नेगेटिविटी अभी थोड़ी सी रह भी गई है कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लगता है कि अभी स्टिल उनका कुछ यू नो एक पिंच ऑफ सॉल्ट अभी रहता है तो वो उनको परेशानी की बात नहीं है आप अपनी पॉजिटिविटी से उनको भी भगा दोगे ठीक है मजीद जो नेगेटिविटी आएगी उसको भी भगा दोगे तो बहरहाल आपने काफ़ी कमिटेड हो और काफ़ी आप लॉयल हो तो आप का जो सोलमेट है ही और शी इज़ नॉट मच फार अवे इज़ राइट ऑन द कॉर्नर आपकी एनर्जी काफ़ी बैलेंस है ठीक uh, है, uh, है जी यूनिटी कार्ड डेफिनेटली यूनिटी आप दोनों यूनाइट हो गए और ये स्परिचुअली जो है डेस्टाइंड रिलेशनशिप है ये यूनिवर्स ने स्पिरट्स uh, आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपको इधर गाइड किया है और उनको आपके तरफ गाइड किया है ठीक है ही स्टिल ऑन योर ऑन हिज वे और यू आर स्टिल ऑन योर वे आप दोनों अपने रस्ते पर चल चुके हो चल पड़े हो यूनिटी के लिए ठीक है तो अगर आपके यही वाइब्रेशंस रही क्योंकि आई प्रिस्टर्स भी है आप काफ़ी एडवाइज हो आप अपने ट्यूशन पर बिलीव करते हो आप पेशेंट भी हो गए हो मतलब आप में सब्र है आ गया है आप में धीरज आ गया है आप चीज़ों को केयरफुली मॉनिटर करते हो और फिर अकॉर्डिंगली एक्ट करते हो ठीक है तो बहरहाल आप आपकी काफ़ी वाइज वाइब्रेशंस मुझे लग रही हैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर आ, मुझे एनर्जी नज़र आई है आपकी और बड़ी बड़ी वाइज काफ़ी चेंज हो गए हैं वहाँ पहले के नस्पत ठीक है तो आ, इसकी वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन ज़्यादा दूर नहीं है यही चाहिए होता है मैनिफेस्टेशन के लिए ठीक है बहरहाल हम मूनोलॉजी औरकल से भी देख लेते हैं आपकी एनर्जी यहाँ आपका आउटकम कि आपका जो सोलमेट है वो टाइम कहाँ है uh, uh, मतलब एनर्जी uh, वाइज उनकी उनकी एनर्जी क्या चल रही है और आपकी एनर्जी क्या है क्या आउटकम हो जाएगा आपका दोनों का स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन ठीक है मैंने आपको पहले भी बताया कि यू स्टिल नीड टू डू सम वर्क ऑन योर वाइब्रेशन आप अपने कम्फर्ट जोन से निकलिए आपको जो करना है आपको लाइफ में वो कीजिए तो ये uh, hey, आपके लिए ये रहेगा पॉजिटिव साइन फॉर योर और सोलमेट आपसे सोलमेट ही मिलने के लिए ठीक है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ आई यू न्यू मून इन कैप्रिकॉन्स अच्छा तो आपने जितना भी मैनिफेस्टेशंस किया है ठीक है ना अब ये टाइम है कि आपको उसको फ्रूट मिलने वाला है ठीक है ये राइट टाइम है क्योंकि मुझे वाइब्रेशन और टैरों में भी बहुत आपकी पॉजिटिव आई हैं जो जो मैनीफेस्टेशन कर रहे हैं ठीक है ये परफेक्ट परफेक्ट टाइम है और ये आपका जो हार्ड वर्क है उसका आपको ज़रूर फल मिलेगा ज़रूर ठीक है वर्क थ्रू योर फीयर्स न्यू इन स्कॉर्पियो आपको जो फियर्स हैं फियर इस किस्म के कि आपको कभी लगता है कि पता नहीं मैनिफेस्टेशन मेरी पूरी भी होनी है या नहीं ठीक है ये फियर दुनिया का दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉकेज है आपको ब्लेसिंग मिलने में जो आपकी विश है उसकी पूरी होने में ठीक है कि आप फेथ रखें फेयर की कोई बात नहीं यूनिवर्स के पास सब कुछ है यूनिवर्स कोई पुअर नहीं है क्या हमें वो नहीं दे सकती ठीक है ना वो सबको देती हैं और आपको भी देंगी तो ये फेथ ही आपको लेकर जाएगा आगे द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम वैक्सिंग मून ये बढ़ता हुआ चांद है आपकी जो एनर्जी है इस मोमेंटम ये उस मतलब आप उसमें और एनर्जी आ रही है आप जो कर रहे हो आप जिस रिश्ते पर हो उसमें आपको और एनर्जी मिल रही है डिवाइन की तरफ से गॉड की तरफ से तो आपका जो रास्ता है वो क्लियर होता जा रहा है अपने सोलमेट की तरफ आपकी डेफिनेटली पूरी होंगी ग्रुप नंबर वन बहुत ही पॉजिटिव आपकी तो एनर्जी है तो यही एनर्जी जो है वो चाहिए होती है ठीक है चले आइए अब हम चांस देख लें कि आपकी आ, क्या एनर्जी है पहले हम आ, कुछ लेटर्स देखेंगे आ, और कुछ चाम्स वगैरह जी ये लेटर हो सकते हैं आपकी सोलमेट के उनका नेम इनसे शुरू हो सकता है बी डी डब्ल्यू जी या जेड एम है वाई है जी एल है जी एंड टी है उनके फर्स्ट नेम सेकंड नेम या फिर उनकी सिटी का नेम भी शुरू हो सकता है ठीक है चर्म्स में ये देखिए ये एंजल विंग है एंजल डेफिनेटली आर प्रोटेक्टिंग यू न, बुल है यहाँ पर यू पहले भी मुझे यहाँ पर काफ़ी एनर्जी आपके लगी थी बड़ी फायरी सी बड़ी यू नो तो, you know, आप, आप काफ़ी लाइफ में फोकस्ड हो आप में काफ़ी एनर्जी है टू अपने काम करने के लिए ठीक है जी जी ये पॉ है आपकी कुछ मेमोरीज कोई पास्ट मेमोरीज जो हैं दे आर स्टिल इन योर हेड उनको निकालिए ठीक है अगर गुड है तो ठीक है अगर बैड है तो वो आपके मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेज करेगी ठीक है जी पिजन ऑफ़ कोर्स आपका जो ना आपकी कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है आपको आपके सोलमेट की तरफ से बहुत जल्द ठीक है यू आर वाइजर ना आप में आप पावर है आप, आप एलिफेंट है तो आप में आप पावर है आप अवाइज हो अपने डिसीजन मेकिंग में ठीक है जी मून एंड स्टार आप की मैनीफेस्टेशंस दे आर ऑन योर वे ठीक है आप आ, जी एंजल हैंडी क्यूड सा आपके लिए कोई गुड न्यूज़ है एंजल लेके आ रहे हैं तो एंजल्स आ, आर गाइडिंग यू एंजल पहले भी आ, विंग भी आया है तो एंजल्स की सपोर्ट आपके पास हंड्रेड परसेंट है ये एक और है जी आ, बर्ड ये भी आपके लिए कोई संदेशा लेके आ रहे हैं इनके मुंह में तो डेफिनेटली सम गुड न्यूज़ इज ऑन योर वे आप लोग प्लीज़ जा रही ठीक है, है तो इन बटरफ्लाई ये भी एंजल्स है एंजेस की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा हैं आपको ग्रुप नंबर वन तो बहरहाल देज़ा पपी क्यूट सा पपी है तो लॉयल्टी ठीक है जी लॉयल्टी आपको मिलेगी डेजा कैट आपकी आइज़ बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है जहाँ आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को केयरफुली uh, 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 रखते हो मॉनिटर करते हो आप सेक्शुअली काफ़ी अट्रेक्टिव हो, हो सकते हो एंड एलिफेंट रॉयल्टी आपको लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बंडस रॉयल्टी और uh, मतलब यू नो प्रिंस एंड प्रिंस लाइक आपका कपल होगा इसके अलावा आउल है यू आर गेटिंग वाइजर ये पहले टैरो में भी आया है अब आप काफ़ी वाइज हो और काफ़ी uh, अपने डिसंस अच्छे से लेना शुरू किए हैं ठीक है जी जी यहाँ पर ये है जी बोन अब ये है कि आपको डेफिनेटली सोलमेट को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ यू नो यू नीड सम इनपुट इनपुट डालनी पड़ेगी ठीक है मतलब आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा अपने सोलमेट को फिर जाके आपका सोलमेट आपकी तरफ आएगा ओके यूनिकॉर्न डेफिनेटली लक इज़ फेवर लक इज़ इन योर फेवर लक जो है आप ही की तरफ है ठीक है मून है डेफिनेटली यू हैव टू मैनिफेस्ट मोर आपको कुछ और भी मैनिफेस्टेशंस करनी पड़ेंगी ग्रुप नंबर वन इट्स स्टिल नॉट इनफ़ इट्स नॉट ओवर येट किटन डेफिनेटली योर रिलेशनशिप विल बी वेरी इनोसेंट इनोसेंट है ये इंसान और आप भी इनोसेंट हो और बहुत यू नो बड़ा लवली एंड केयरिंग साइड रिलेशनशिप होगा पेयर ऑफ स्वैन एंड डेफिनेटली यू बोथ आर सोलमेट्स एंड कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फिलेम भी हो सकती हैं यू आर मे रेडिंग ईच अदर ईयर ठीक है यानी कि जैसे आप होंगे ना वो तकरीबन उसी तरह के वो होंगे आपके तरह की उनकी नेचर होगी ठीक है तो ये थे आपके चांस आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो तो इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लेस द बेलाइकन में आपसे आपके नेक्स्ट रीडिंग में मेरे को अपना ढेर सारे ख्याल रखिएगा बाय बाय एंड आई लव यू हेलो ग्रुप नंबर टू जिन्होंने टू ऑफ कप्स का कार्ड चूज़ किया था है। देखते हैं क्या आपका सोलमेट को मैनिफेस्ट कर पाओगे या नहीं आपकी क्या एनर्जी है डिवाइन ने क्या लिखा है आपके लिए या आपकी क्या एनर्जी है आपकी मैनीफेस्टेशन कहाँ तक पहुँची हैं इसके बाद कुछ चार्म भी हैं आप वो भी देख सकते हैं रुक करके अपने सोलमेट के लिए तो बहरहाल ओके किंग ऑफ वाटर्स व्हाट uh, साइन है जी यहाँ पर कैंसर स्कॉर्पियो पार्सिस है नाइन ऑफ अर्थ है जी अर्थ साइन टॉरस केप्रिकोन जनवर्गोस एम्प्रेस कार्ड है जी यहाँ पर इसके अलावा है द ड्रीमर या एरिज फूल इसके अलावा है जी यहाँ पे फाइव ऑफ फायर्स फायर साइन आ गया जी एयर इज लियो सैजिटेरियस हाई प्रिस्टेस आ गया है जी यहाँ इसके अलावा आपके सेवन ऑफ फायर्स फायर साइन एयर इज लियो सैजिटेरियस नाइन ऑफ एयर लिब्रा एक्वेरिसन एंड एन नाइट ऑफ अर्थ और इसके प्रॉन एंड वर्कर्स। जी तो ग्रुप नंबर टू आपका आ, जो करंट एनर्जी है आप अपने सोलमेट को लेकर के काफी ज्यादा वो तो हो मतलब काफी आप ड्रीम्स भी देख रहे हो और काफी डे ड्रीमिंग भी उनके साथ करते हैं आप और काफी पैशनेट हो उनको लेकर के काफ़ी कमिटेड हो काफी यू you नो know, काफ़ी पॉजिटिव आप सोचते हो एनर्जी में लेकिन बात यह है कि आपकी अभी जो एनर्जी है सोलमेट के आपके पास फ़ौरन से आ जाए अभी आ जाए आजकल में आ जाए ये वाली उतनी ज़्यादा आप पॉजिटिव या आपकी हाई वाइब्रेशन नहीं हैं ठीक है, है? देखो मैं आपको पूरा पास समझाऊंगी ताकि आप उनको मैनिफेस्ट कर लीजिए कर लें ठीक है ना मैनीफेस्ट uh, uh, करने के लिए आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई होनी चाहिए ठीक है आपको कोई डिसअपॉइंटेड नहीं होना चाहिए आपको कोई परेशान नहीं होना इस तरह की बात ठीक है आपको uh, मतलब इम्पॉसिबल्स पर बिलीव जब तक आप नहीं करेंगे आपका सोलमेट या आपका कोई भी जिंदगी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होगी लेकिन आपके यहाँ पर एनर्जी है कि आप जो हो रात को सोते नहीं हो देर तक जाते हो दे ओवर थिंकिंग बहुत करते हो और आपको कभी कभी ना आप uh, मतलब uh, थोड़ा ना वो हो जाते हो डिवाइन पर से ट्रस्ट उठ जाता है कभी कभी आपको गुस्सा आने लगता है आपको लगता है कि मुझे तो पता नहीं मिलना भी है या नहीं यू नो थोड़ा सा मिसट्रस्ट वाली आपकी सिचुएशन है आप इस फेज़ में आ जाते हो हाई वाइब्रेशन से कभी कभी आप बिल्कुल ना बिल्कुल ही डाउन चले जाते हो यहाँ तो बिल्कुल ही अप हो जाते हो Uh, बहुत ही हाई वाइब्रेशन में वो चले जाते हो एकदम बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाते हो ये फिर एकदम से आपका डाउनफॉल हो जाता है कि आपको फिर आपको नींद भी नहीं आएगी आपको परेशानी दुख में होगा ठीक है आपको दरमिया ना दरमियान में आपके इमोशंस नहीं हैं ये चीज़ बड़ी प्रॉब्लम करेगी आपको मैनिफेस्टेशन में सही है आ, उसकी वजह से आपकी लड़ाई हो जाती है घर में या आपके यू नो और लोगों से फ्रेंड्स से या अम्मी से मतलब मदर से आपके फादर से या सिबलिंग से किसी से भी आपकी जॉब जिधर आप करते हो उधर आपकी लड़ाई हो जाती है लोगों से आप बहस करने लगते हैं फिर टेंशन में परेशान में टेंशन आपको कोई और होती है और निकाल गुस्सा आप किसी और पर देते हो बहरहाल ये किस्म प्रॉब्लम आ रही है आपको मैनिफेस्टेशन करने में बहरहाल लेकिन ये है कि आप हाई प्रस्ट्रेस हो ठीक है आप अपनी इंट्यूशन को सुनते हो आप पेशेंट हो आप फिर भी यू नो यू आपको पता है आपको करना क्या है लाइफ में उसकी वजह से आप को जो है मैनिफेस्टेशंस आपकी फिर भी यू नो दे आर ऑन देयर वे आप एक ड्रीमर हो आपको फेथ फिर भी है डिवाइन पर यूनिवर्स पर फेथ है आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करना जानते हो आपको अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना आता है ठीक है तो बहरहाल एम्प्रेस uh, कार्ड uh, के साथ डिवाइन ने आपके लिए काफ़ी बंटस एंड ब्लेसिंग्स रखी हुई हैं ठीक है तो आपको डिवाइन की तरफ से ऑर्डर दिया जा रहा है ये गाइड किया जा रहा है कि आप अपने ड्रीम्स को चेज़ कीजिए अपने जो फ्यूचर आप जो लाइफ गोल्स हैं उनकी तरफ जाइए अपने आप को अपने आप को यू नो ट्रैर योर सेल्फ अपने आप को इम्पावर करें किसी भी तरह करियर में फिनेंशली यू uh, नो you know, किसी भी तरह किसी भी तरह खुद पावर पोजीशन में आए तो आपका सोलमेट आपकी तरफ आएगा बहरहाल आपकी जो एनर्जी है यह अभी ये है कि मुझे ऐसे लगता है यहाँ तो आप बहुत हाई चले जाते हो यहाँ बिल्कुल ही लो पे चले जाते हो तो ये प्रॉब्लम करें कि आपको सोलमेट के मैनिफेस्ट होने में लेकिन आपकी जो किंग ऑफ वाटर के साथ आपको इमोशनल यहाँ पर भी बैलेंस अपनी इमोशंस को बैलेंस करने का कहाँ जा रहा है कि आप इमोशंस को बैलेंस करें आप किसी की एडवाइस अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं ठीक है अगर नहीं तो अपने मन को शांत करने के लिए थोड़ा सा चैरिटी वर्क कर सकते हो किसी की हेल्प कर सकते हो ठीक है कोई कुछ भी आप दान जो भी करना चाहें आप कर सकते हो अपने मन की शांति के लिए जे फॉर योर मेंटल सेटिस्फेक्शन ठीक है जी तो लेकिन यह है कि आपको आपकी लाइफ में सक्सेस है फॉर योर सोलमेट आप मैनिफेस्ट कर लोगे आप उनको कर पाओगे बट uh, यहाँ पर थोड़ा सा जो डिले आ रहा है जो प्रॉब्लम आ रही है वो आपके इमोशनल इम्बेलेंस की वजह से है जिस टाइम आपने ये भी रिकवर कर लिया उस दिन आपका सोलमेट आपके सामने खड़ा हुआ होगा ठीक है तो बहरहाल सेवन फायर का भी यहाँ पर साइन है यू uh, नो uh, you know, आपको uh, अपनी लाइफ में जो डिसीजन्स लेने हैं आपको उनको वाइजली चूज़ करना पड़ेगा आपको अपने जो डिसीजन्स हैं जो आपकी बिलीव्स हैं आपको उन पर खड़ा रहना पड़ेगा आप लोगों की ना सुने क्योंकि अब मुझे ऐसे लगता है आप लोग शायद लोगों की सुनते हैं और अपनी आप नहीं यू नो अपना जो आप खुद करना चाहते हो आप उस पर ज़्यादा उसके बजाय लोगों की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान है तो आप खुद की सुने ठीक है मन की सुने आप तो ये आपका जो इंटन कहती हैं ना वो बेस्ट आपके लिए होगा तो जहाँ तक आपके सोलमेट का है आपकी जो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है वो ये ही है मैं पहले भी आपको बताएँ कि ये आ, मतलब आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं तो सही जा रही हैं डिवाइन सुन भी रहे हैं बट आपकी इमोशनल इम्बैलेंस है इट्स स्टिल देयर ठीक है इमोशनल बैलेंस को ठीक करें तो भर अलमोनॉलोजी कार्ड से भी हम देख लेते हैं कि क्या आपके मैनिफेस्टेशंस uh, कहाँ तक पहुँची हैं सोलमेट की टेक टाइम टू ब्रीथ आउट जी आपने प्रॉब्लम्स uh, um, हैं मतलब आपकी लाइफ में चल रही हैं आपको बहुत ज़्यादा उन्होंने सफोकेट किया हुआ है वह आपने आप ख़ुद को ही किया हुआ है या प्रॉब्लम्स ही कुछ इस तरह की हैं तो आप जो हो ना अपनी थोड़ा ख़ुद का सोचो और थोड़ा सा यू you नो know, थोड़ा सा सांस लो रुको आप थोड़ा सा लाइफ में रुक सकते हो इन प्रॉब्लम्स को छोड़ करके थोड़ा सा यू you नो know, गो फॉर सम हॉलीडे इस तरह का कुछ कर सकते हो एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड देखा यू नीड टू डू सम एडजस्टमेंट्स इन योर लाइफ तो बहरहाल uh, परेशान होने की बात नहीं है ये गाइड है ठीक है ना आप लोग मतलब यू बी ग्रेटफुल टू योर गॉड टू यूनिवर्स कि आपको गाइड किया जा रहा है ताकि आपको आपका रास्ता क्लियर हो हो जाएगा बहुत जल्द यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ यू मोन इन कैंसर जी आप और आपके जो लव्ड वंस हैं आप सेफ हैं मतलब कोई परेशानी की ज़्यादा बात नहीं है आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएंगी आपका जो लवर है जो आपका सोलमेट uh, है वो भी शायद आपको मैनिफेस्ट कर रहा है बहरहाल लक इज ऑन योर साइड न्यू मोन आप लक आपको फेवर कर रही है ठीक है लक आपके साइड पर है बस आपको जो करना है ना आपने इमोशनल जो आपका है ना इम्बेलेंस uh, वो उसको आपने बस ठीक करना है एंड रेस्ट uh, जो है वो आपका खुद ही ठीक हो जाएगा आई आपके देखते हैं आपके सोलमेट के, uh, के तरफ से आप uh, uh, नहीं सोलमेट के uh, कुछ लेटर्स हैं कुछ चार्मस हैं ये के लेटर हो सकते हैं आपके सोलमेट के नेम के आ, में एम जी एक्स फर्स्ट नेम सेकंड नेम या सिटी का नाम भी हो सकता है बी एफ जेड या जी वाई टी और जी भी है आई डब्ल्यू यू ठीक है ये देख लीजिए आप अच्छा तो आ, आपके जो सोलमेट हैं क्योंकि यहाँ पर स्नो फ्लेक है तो ये किसी ऐसी कंट्री से हो सकते हैं जहाँ पर स्नो फॉल होती हो या ऐसे उस एरिया से हो सकते हैं जहाँ स्नोफॉल हो ठीक है टाइगर स्पिरिट आई है वैसे भी आपका आप साइन काफ़ी ज़्यादा आया था यू आर ब्रेव ना ठीक है आप अब काफ़ी ब्रेव हो आप लाइव डिसीजन ले सकते हो तो आपका ये चीज़ पॉजिटिव होती है मैनिफेस्ट करने के लिए पपी है जी आपको लॉयल्टी मिलेगी लाइफ में ठीक है कोई परेशानी की बात नहीं है लॉयल्टी आपको मिलेगी आपको, आपको बहुत लविंग ये होगा इंसान आपका सोलमेट ठीक है कुछ संदेशा आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है ठीक है ये पिजन ने आपके लिए पकड़ा हुआ है गुड न्यूज़ का आ, लेटर ठीक है तो लव लेटर भी यहाँ कोई कॉल आपको सडन मिल सकती है बटरफ्लाई तो एंजल्स ने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है ठीक है जी एलिफेंट है आप अपवाइज़ आप हो रिगल रॉयल जो है रॉयल्टी ये का इंडिकेशन होता है तो बहर इस बनी आ, क्यूट बनी तो आपके जो सोलमेट है ना वो ये है कि आ, यू नो वो काफ़ी जॉली नेचर के हो सकते हैं या आप काफ़ी जॉली नेचर के हो सकते हो ठीक है मतलब ही इज़ अ वेरी एक्टिव पर्सन तो सुस्त नहीं होंगे वो ठीक है या आप आप शायद आपकी एनर्जी है कि आप थोड़े एक जगह बैठते नहीं हो बरहाल इट्स वेरी क्यूट कैट आपके आइज़ क्यूट हो सकती हैं अट्रैक्टिव हो सकती हैं यहाँ आई लाइनर अच्छा लगाती हैं या सूट करता है इस टाइप का ठीक है जी तो ये बुल है डेफिनेटली लॉट ऑफ सेक्शल एनर्जी फिजिकल अट्रैक्शन बहुत होगी इन अदर आपकी तरफ से मतलब ये बटरफ्लाई है तो इन अदर एंजल्स एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू ठीक है और इन अदर पिजन तो ये पिजन भी ए, इंडिकेट कर रहा है आपके सोलमेट की तरफ से किसी गुड न्यूज़ के आने का ठीक है तो ये थे आपके चांद आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो तो इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन तो मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में मे अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बाय बाय आई लव यू हेलो ग्रुप नंबर थ्री जी उन्होंने टेन ऑफ कैप्स का कार्ड चूज़ किया था देखते हैं क्या आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे अपने सोलमेट को या नहीं आपकी क्या एनर्जी है करंट और uh, क्या आपकी वाइब्रेशन है डिवाइ क्या लिखा है आपके लिए तेरो के अलावा चांस भी हैं तो आप वो भी देखेगा किंग ऑफ फायर सजिटेरियस टेन ऑफ अर्थ ये है जी अर्थ साइन और है वर्गोस इको ओके किंग ऑफ वाटर Cap, uh, cancer scorpio pisces five of fires here is leo sagittarius eight of fires here is leo sagittarius queen of fire a lot of fire energy by <laughs> um, leo sagittarius एनी वे फॉर ऑफ फायर्स फायर साइन गंग फायर साइन वेम्स फॉर ऑफ फायर्स बहुत फायरी आपके नाइन ऑफ एयर्स ओके लिब्रा जमीना एक्वेरियस ये तो आ पहली तो बात यह है कि देर इज अ लॉट ऑफ फायर साइन प्रोमिनेंट बहुत ज़्यादा है और इसका मतलब यह है कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो आप बहुत ज़्यादा मोमेंटम में हो अपनी सोलमेट के लिए आप काफ़ी यू नो यू आर इन एक्शन फॉर योर सोलमेट आपसे उनसे मिलने के लिए आप बिल्कुल रेडी हो उनकी वाइब्रेशन है काफ़ी हाई हैं सही है तो बहरहाल आपका जो कपल है किंग ऑफ फायर्स एंड क्वीन ऑफ फायर्स का ये जी आपका कपल है ठीक है काफ़ी आप यू नो you know, दोनों जिसको को कॉम्प्लीमेंट करते हुए तो उसको कम्प्लीट करोगे तो जहाँ तक आपकी मैनीफेस्टेशन का ताल्लुक है मैनीफेस्टेशन का ताल्लुक कोर्स आपको पता है सबको मैंने समझाया हुआ है आपका वाइब्रेशन से होता है ताल्लुक आपकी मैनिफेस्टेशन का कि वो पूरी होएगी या नहीं होएगी या कहाँ तक पहुँची है ये सब आपके वाइब्रेशन पर डिपेंड करता है आपकी वाइब्रेशन मुझे इस टाइम काफ़ी हाई लग रही है ठीक है तो लेकिन ये है कि आप में से कुछ लोग हैं जो परेशान हो जाते हैं फिर भी यहाँ पे हाँ ये था नाइन एयर के साथ आपको यानी कि ए, कभी कभी आप डिसअपॉइंट हो जाते हो और उसकी वजह से आप फिर दूसरों से लड़ने लगते हो ये एनर्जी कभी कभी आप में आ जाती है बल्कि यू नो कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें अक्सर ही आ जाती है तो ये चीज़ आपको ख़त्म करनी पड़ेगी ठीक है लेकिन अदरवाइज़ ओवरऑल आपकी एनर्जी मुझे ठीक लग रही है आप यू you नो know, आपका जो हार्ट चक्र है वो भी काफ़ी हद तक उसमें जो ब्लॉकेज थी वो ख़त्म हो गया है क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वाटर आ गया है तो आप काफ़ी अब कम्पेशनेट हो काफ़ी आप लव को रिसीव करने के लिए और देने के लिए काफ़ी यू आर रेडी आपका हार्ट चक्र की भी ब्लॉकेज थी काफ़ी लोगों की यहाँ पर लुक अब ख़त्म हो गई है आपने अपनी वाइब्रेशन को हाई करके आ, उस ब्लॉकेज को ख़त्म कर लिया हुआ है ठीक है जी तो टेन ऑफ के साथ डेफिनेटली आपकी एक हैप्पी एंडिंग होगी आपकी बहुत हैप्पी लाइफ होगी अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ जो आपके सोलमेट हैं आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी और आपको छोट छोटी छोट छोटी ज़िंदगी में खुशियाँ जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ना उन, उनको आप जोड़ करके अपनी बहुत प्यारी जिंदगी बनाओगे सही है तो छोटी छोटी खुशियाँ आप आपको वो देंगे लाइफ में जो कि यू नो जिंदगी में बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं छोटी छोटी खुशियाँ जैसे आपको डिनर पर ले जाना आपकी कोई बर्थडे का याद रखना छोटे छोटे गिफ्ट्स इस तरह के बहरहाल ये इसी तरह के होंगे आपके सोलमेट आपको छोटी चोट छोटी बातों का ख्याल रखा करेंगे तो बहरहाल लेकिन ये है कि क्योंकि यहाँ पर ईगो ईगो कार्ड है तो नेगेटिव थिंकिंग भी आपको आती है यहाँ पर स्लीपलेस नाइट्स भी हैं आप में से बड़े सारे लोग हैं जो दे आर स्टिल स्टक इन देयर पास्ट थॉट्स या नेगेटिव थॉट्स या यू you नो know, आपको डिवाइन पर कभी कभी यू नो गुस्सा आ जाता है या यू you नो know, हम कभी कभी निराश हो जाते हैं कि डिवाइन ने पत्नी वाली कुछ रखा भी है नहीं डिवाइन टास्क हम उठा उठा लेते हैं तो uh, ये जो एनर्जी है ना ये आपके लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक होगी आप क्योंकि आप में से बड़े सारे लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स हैं तो आ, आपको तो डेफिनेटली यूनियन में आना ही आना है आपको वाइब्रेशन हाई रखनी ही रखनी है ठीक है बहाल ये शादी के लिए भी मैरिज कार्ड है हैप्पी होम हैप्पी होम लाइफ एंड सक्सेसफुल कंप्लीस ऑफ अ मैरिज शादी अबंडेंस, कंटेनमेंट ठीक है आपका जो भी आपका प्रोजेक्ट है आपका जो आप जो भी काम है इसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं मतलब सोलमेट को मैनिफेस्ट करने के तो डेफिनेटली ये पूरा होगा लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है मुझे जो आपकी एनर्जी नज़र आ रही है आप अक्सर लोगों से लड़ पड़ते हो ठीक है और फिर रात को उसके बारे में सोचना शुरू हो जाते हो और फिर रात को आपको नींद नहीं आती है फिर आप ईगो में चले जाते हैं फिर आप दोबारा तो उसके बारे में सोचते हैं और अगेन वो साइकिल शुरू होता है गुस्से वाला और यू नो इस तरह तो ये चीज़ आपके हॉल्ट करेगी ये प्रॉब्लमेटिक करेगी रास्ता रोकेगी ब्लॉकेज लगाएगी आपके मैनिफेस्टेशन में मैं आपको पहले क्लियर कट बता रही हूँ ठीक है तो जो डिवाइन की जहाँ तक आप पे ब्लेसिंग है आप दोनों तो को डिवाइन ने देख लिया है आप दोनों तो को ब्लेसिंग देने का डिवाइन ने सोच लिया हुआ है बट आप दोनों का रास्ता तो साफ है आप दोनों मैनिफेस्ट कर लोगे एक दूसरे को और यहाँ पे शादी भी है आप लोगों की शादी भी काफ़ी करीब है लेकिन आप ये एनर्जी नहीं हटा लें जितनी जल्दी आप ये वाली एनर्जी हटा लोगे उतनी जल्दी आपका काम हो जाएगा ठीक है तो फिर दस्टिल मोनोलॉजी कार्ड से भी देख लेते हैं कि क्या आपकी एनर्जी है क्या मैनिफेस्ट कर पाओगे वट इज़ द आउटकम आपको क्या करना चाहिए अ पर्सनल इशू रिच इज़ रेजोल्यूशन फुल मून इन कैंसर जी कॉन्ग्रेजुलेशन ग्रुप नंबर थ्री आपका जो इशू है मैनिफेस्टेशन का जो इशू था क्या आप कर पाओगे नहीं तो ये रिजॉल्व हो गया हुआ है गॉड की तरफ से ठीक है यानी गॉड ने ओके okay कर दिया हुआ है कि आप दोनों मिलो तो बहरहाल अब जो काम करना है आपको थोड़ा सा खुद पर करना है आपको थोड़ा सा एनर्जी अपनी हटानी है अपने जो हर हाँ रस्ते में खुद ब्लॉक के जहाँ आपने लगाया वो हटाना है जिस दिन आपने वो हटा लिया तो गॉड के तरफ से तो ओके हो गया हुआ है आप दोनों का मिलना एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड ठीक है देखिए मैं पहले आपको लोग एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी अपने मूड स्विंग्स में अपनी लड़ाई झगड़े वाली आदत में देखो मैं सबने को नहीं कह रही हूँ लेकिन जो जिनका ये प्रॉब्लम है उनको समझ आ गया है मैं कन्वे क्या कन्वे करना चाह रही हूँ उनको समझ आ गया है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगेंस न्यू मून इन लिब वाओ ठीक है जी सेल्फ uh, एक्सप्लेनेटरी है ये कार्ड आपका एक न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू हो गया है फ्रॉम डिवाइन डिवाइन ने मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिवाइन ने आप उनको आपकी तरफ डायरेक्शन दे दी हुई है वो आपकी तरफ चल पड़े हैं आप दोनों का साइकिल शुरू हो गया हुआ है रोमांटिक साइकिल मिलने का यूनिटी का बहाल आपकी जो जिस जिसकी जो मसला है थोड़ा एंगर इश्यूज है एंगर इश्यूज उनको ठीक कर लें बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी ओके फुल मून इंड फाइस आप वर्ल्ड यहाँ तो आप बिल्कुल स्पिरिचुअल हो जाते हो ठीक है और काम कुछ नहीं करते हो यहाँ पर बिल्कुल ही प्रैक्टिकल हो जाती हो और फिर भूल जाते हो कि आपने प्रे वगैरह भी करना था बरहाल इन चीज़ों को बैलेंस करें ये दोनों ही आपको रिक्वायर्ड है आपको अपने ऊपर भी काम करना है अपने मतलब अपने करियर वगैरह पर भी ध्यान देना है और आपको प्रे भी करना है ठीक है जिस दिन आपने दोनों काम नहीं किए ना आ, मतलब दोनों कामों में बैलेंस अगर आपने नहीं रखा तो फिर प्रॉब्लम आएगी मैनिफेस्टेशन में ठीक है तो बहर हम चांस देख लें आ, आपके जो सोलमेट हैं उनके क्या इनिशियल्स वगैरह हैं और क्या चार्म हैं चार्म क्या कहते हैं ये जो उनके इनिशियल्स हैं नेम के यू ए आर एक्स जेड एम एन बी डब्ल्यू ए फर्स्ट नेम सेकेंड नेम ठीक है क्या सिटी का नेम आई वी ये चांद हैं जी ओके देर इज़ अ बर्ड डेफिनेटली ही इज फ्लाइंग टूवर्ड्स यू ठीक है आप उनकी तरफ फ्लाई करके जा रहे हो वो आपकी तरफ फ्लाई करके आ रहे हैं तो यू बोथ आर यू बोथ आर ऑन योर वेज ठीक है जी यहाँ पर हॉर्स भी आ गए डेफिनेटली इज़ ऑन हिज़ वे इज़ ट्रेवलिंग टूवर्ड्स यू ग्रूप नंबर थ्री ही इज़ ऑन हिज़ वे प्लीज़ आप अपनी एनर्जी जो भी थोड़ी बहुत खराब है उसको ठीक कर लीजिए ठीक है? है जी शीप है यहाँ पर शीप स्पिरिट वेरी इनोसेंट रिलेशनशिप वेरी यू नो इसमें कोई आपको उनको आपसे कोई मटीरियल गेन नहीं चाहिए आप, आपको उनसे कोई मटीरियलिज्म uh, वाला चक्कर नहीं है ठीक है बड़ी इनोसेंट सा रिलेशनशिप है ओके okay, यहाँ पर है जी यहाँ पर कैट फेस है आपकी आइज़ ब्यूटिफुल हैं आपकी यू नो आइज़ अट्रैक्ट करेंगी उनको ठीक है जी आउलिया यहाँ पर काफ़ी अवाइज़ हो चुकी हो आपको पता लग गया लाइफ में करना क्या है तो कैट uh, है अगेन यहाँ पर आप ये आपकी अनर्जी हो सकती है इन अदर हॉर्स ओके इन अदर हॉर्स ये देखें ज़रा इन दोनों हॉर्सेस के मुंह एक दूसरे की तरफ मतलब वो आपकी तरफ चल के आ रहे, रहे हैं आप उनकी तरफ ठीक है आप दोनों तो का रास्ता बहुत जल्दी से क्लियर हो जाएगा कट जाएगा ये रास्ता ये दुनिया ख़त्म हो जाएंगी ओके दे इज़ अ ड्रैगन यहाँ पर ड्रैगन स्पिरिट है ये नहीं कि आप अपने गोल्स की तरफ इतने कमिटेड हो चुके हुए हो इतना आपको पता है कि आपको करना क्या है क्या आप रास्ते में आने वाली हर ब्लॉकेज को आप चाहते हो कि मैं तोड़ दूँ ठीक है ना तो यहाँ पे क्योंकि स्नेक भी है तो भी काफ़ी सेक्सुअल अट्रैक्शन है फिजिकल अट्रैक्शन है काफ़ी यू नो काफ़ी पॉइजनस तो हम नहीं कह सकते बट यू नो काफ़ी आप स्परिचुअली और काफ़ी आप स्ट्रॉग हो चुके हो आपने ज़िंदगी में बहुत दुश्मन देखे हैं अपने बड़े का मुकाबला किया है बहरहाल जैसे एलिफेंट कोर्स एक अनदर एलिफेंट आप काफ़ी वाइज uh, हो लाइफ में यूनिकॉर्न लक इज़ इन योर फेवर ये आपका कार्ड भी निकला था यूनिकॉर्न इज़ अ लक साइन सही है जी आम, ये देखिए ये बटरफ्लाई है इसके ऊपर लिखा हुआ है अगर आपको नज़र आ रहा है तो क्रिएटेड फॉर यू ठीक है तो दे यू बोथ आर क्रिएटेड फॉर ईच अदर यू आर डेस्टाइंड टू मीच है आपको मीट ये आपको यू नो आपकी डेस्टिनी है ऑल है इन आप दोनों काफ़ी अडवाइज हो और आप लोग लाइफ डिसीजन ले सकते हो और आप लोग एक दूसरे को मैनीफेस्ट कर सकते हो बहरहाल एनर्जी मुझे आपकी ठीक लगी है लेकिन जिन लोगों को थोड़ा सा इश्यूज़ है एंगर इश्यूज़ वगैरह आप लोग उसको अपने ऊपर काम करके थोड़ा सा थोड़ी सी देर है ज़्यादा नहीं है तो आ, अगर आप इन चीज़ों को मैनेज कर लें तो आप डेफिनेटली बहुत जल्द अपना रास्ता दोनों काट लोगे ठीक है तो आ, इन पॉजिटिव नोट्स के साथ और आ, बेस्ट विशेज़ के साथ आई जस्ट विश एंड प्रे कि आप दोनों जल्दी से मिल जाओ तो आ, मैं आपको बाय बाय कहूँगी अपना ठेरा ज़रा ख्याल रखिएगा आई लव यू